रखने का सिर्फ मकसद यही है कि इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है इस वाले से, और 30 तारीख को हमारे अमीर मुजाहिदीन के साहबजादा हाफिज साहब से रिजवी साहब तशरीफ ला रहे थे हॉकी ग्राउंड के अंदर, उस वाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जाके कंपेन के वाले से हम ये एक लाइव मल्ला है हमारा कि आपने डोर टू डोर कंपेन करनी है, चाहे यूसीगढ़ मल्ला है उसके हर गांव के अंदर डोर टू डोर कंपेन होनी चाहिए, चाहे ठीक नहीं है उसके अंदर भी होनी चाहिए, डाली है, चाहे यूनियन काउंसिल तनियाला है, चाहे कोई भी यूनियन काउंसिल है जिस यूनियन काउंसिल से आप तलक रखते हैं, हमने डोर टू डोर कंपेन करनी है और इंशाल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पे लेकर और इंशाल्लाह क्रेन पे मोहर लगा दी और साथ प्याले में भी मोहर लगा दी, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है एनए आए जो जैद अख्तर साहब हैं उनका जो इंतखाबी निशान है वो प्याला है, और आपने प्याले पे मोहर लगानी है और क्रेन पे भी मोहर लगानी है। और इसके वाले से दो बातें और, NA60 और NA61 दो हल्के हमारे, उसमें हमारे NA60 में जो है ना हमारी यूनियन काउंसिल सोन वो पूरी जो है ना NA60 में आ गई है, और जो NA60 में खुका और कोचकी दो गांव है सिर्फ NA60 में, उसके बाद जो भी हल्का ना वो NA61 में चला गया है, और यूसी गढ़मल में एक तम्मा जो है वो हमारा NA60 में आ गया है, और उसके अलावा हमारा मेहता लोसर और नई बादी वो NA60 में आ रही है, उसके अलावा तमाम जो हल्का ना वो NA61 में चला गया, लेकिन PP24 का हिस्सा है, ठीक है। इस तरह ये बाकी यूनियन कौंसिल बदरोट है वो भी आज ही हमारी NA60 में आ गई है और NA61 में चली गई है, यूनियन कौंसिल तनियाला जो वो तमाम जो है NA60 में है, और यूनियन कौंसिल मुगलाबाद भी, यूनियन कौंसिल लद्दड़ भी, यूनियन कौंसिल मुतकालस भी हो गई है, ये तमाम यूनियन कौंसिल जो है NA60 में है। तो हमने 61 का भी काम करना है और 60 का भी करना है, ठीक है, वो भी हमारे कैंडिडेट हैं, इमरान पीर इमरान हैदर साहब हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी आपका तारफ करवाएंगे जल्द, इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे हम, ठीक है, उनका भी तारफ करवाएंगे आपके साथ, लेकिन आप लोगों ने इंशाल्लाह काम करना है जाके, ठीक है। तो देखिये हमारी तरफ नहीं किसी ने देखना या किसी शख्सियत की तरफ नहीं देखना, हमने जो बाबा जी हमें मिशन दे करके हमें मिशन के साथ खड़ा रहे, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे ना मिशन के साथ, किसी के जात के लिए नहीं खड़ा होना, हमने मिशन के लिए खड़ा होना। तो उसके अलावा अगर कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं इस वाले से तो बिलाशक सब खड़े होकर इस वाले से राय दे सकते हैं, और पोलिंग टेंट के वाले से सबसे अहम बात जो है ना पोलिंग टेंट, आपने अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर लेडीज और जेंट्स ये बहुत जरूरी चीजें हैं, पोलिंग टेंट आपने अपने फाइनल कर रहे हैं वो चाहे 2 दिन के अंदर करें चाहे आप 4 दिन के अंदर करें, वो फाइनल करके अपनी लिस्ट अपने पास रखें, आप जहां भी किसी का कोई भी होता है ना, ये देखें यूनियन कौंसिल गार्ड में कोई भी है, यूनियन कौंसिल मुगलाबाद है, कोई भी यूनियन कौंसिल है, उसके अंदर आपने पता क्या करना है, पोलिंग टेंट फाइनल करना है। उसके अलावा पोलिंग बूथ जो बार पोलिंग जो हमने कैंप लगाना बार उसमें कम अज कम हमारी गैदरिंग होनी चाहिए, 10-20 बंदे हमारे वहां भी बैठे होने चाहिए, और उसका तरीका कार ये है कि जब बंदा आए पर्ची कटवाए उसको साथ लेकर जाए स्कूल के पास जहाँ पर पोलिंग, उसको जाते वक्त उसकी तरबियत करें, आप साथ गए भाई क्रेन पे मोहर लगानी है, आपने प्याले में मोहर लगानी है, वहां पे हमारे सियासी तो वैसे आप गेमें करते हैं वो तो अंदर उन्हें लेडीज को अपनी पर्चियां बना के अंदर चली जाती है, वो कहती है पलिया किधर चली है तू तो इधर बल्ले में मोहर ला ना, उन्हें भी तो साढ़ा तो तजर्बा सियासत ही नहीं है, असं नए आए हैं, लेकिन इस बार और दीना सिटी से लेकर वार्ड लेवल के जो हमारे कारखान है वार्ड लेवल पे हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे डोर टू डोर कंप्लेन की जरूरत है, वही चलो आप जिस जगह पे बुलाएंगे हम तो वैसे भी हाजिर है, हमने खुद भी कर लिया डोर टू डोर कंप्लेन,
पे हमारे साथ आप हमारा साथ भी दें, साथ हमारे चले हम आपके साथ भी चलेंगे। और डोर टू डोर कैंपेन हमेशा जो डोर टू डोर कैंपेन है उसका हमें फायदा ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायदा हमें डोर टू डोर कैंपेन का। तो चूंकि जैद अख्तर साहब भी आ रहे हैं वो भी आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे, वो थोड़ी देर तक वो भी पहुंच जाते हैं। तो बाकी अगर कोई भी साथी इस हवाले से इलेक्शन क्रेन एक निशान है या नहीं, और कोई फिलहाल क्रेन ही है, दूसरों का है, हमारा नहीं, हमारा सिर्फ क्रेन है लेकिन वो दूसरों का है, हमारी सिर्फ क्रेन है। तो इस वाले से देखे हमारे बुजुर्ग पुराने सियासी ये भी है, अब बाकी हमारे बुजुर्ग सारे बैठे हुए कोई भी गुफ्तगू करे हमारी रहनुमाई करे, कोई बंदा बात करना चाहता बात भी कर सकता है, बात करे।